देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को 50% वोट नहीं मिला। राजीव गांधी भी चूक गए, इंदिरा गांधी से लेकर पंडित नेहरू भी यह चमत्कार नहीं कर पाए। जो काम नेहरू, इंदिरा, राजीव नहीं कर पाए, वो भी तब जब देश में कांग्रेस का एक छत्र राज चलता था। तो अब मोदी को 50% वोट कैसे मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, ये आपको बताएंगे तो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मोदी की पार्टी ने अपनी बहुत बड़ी ताकत अयोध्या में लगाई है और उतनी ही बड़ी ताकत मोदी की पार्टी ने तेलंगाना में लगा दी है। प्रधानमंत्री अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि अमित शाह तेलंगाना पहुंचकर कहने लगे हैं कि 24 में तेलंगाना में 35% वोट और 10 सीट चाहिए। यही अमित शाह कुछ दिन पहले बंगाल में कह रहे थे कि वहां से बीजेपी को 35 सीटें जीतनी हैं। योगी पूरे यूपी में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी यहां 80 में से 75 सीटें जीतने का दावा ठोक रही है। यानी एक तरफ बीजेपी सीटों का 4 शतक बनाना चाह रही है, वहीं विरोधी आपस में उठापटक कर रहे हैं। अगर सही से जोड़ेंगे तो 51% वोट और 400 सीट का बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मामला 400 सीट का नहीं है, मामला 51% वोट का है। यह 51% वोट मोदी को कहां से मिलेगा, आइए आपको बताते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी को 51% वोट कहां से आएगा? 19 में 38% वोट पाने वाले मोदी 24 में 51% पर कैसे पहुंच जाएंगे? बीजेपी का ग्राफ 13% कैसे बढ़ जाएगा? इसका जवाब मोदी के 51% वाले कैलकुलेशन में है। यूपी में बीजेपी 50% पर है, गुजरात में 63%, राजस्थान में 59%, हिमाचल में 69%, उत्तराखंड में 61%, दिल्ली में 51%, चंडीगढ़ में 51%, हरियाणा में 58%, त्रिपुरा में 50%, एमपी में 58%, छत्तीसगढ़ में 51%, गोवा में 52%, झारखंड कर्नाटक में 51%। यानी 36 राज्यों में से 14 राज्यों में मोदी की पार्टी पहले से ही 50% प्लस वाली कैटेगरी में है। मोदी को 24 के लिए उन 22 राज्यों में काम करना है जहां या तो बीजेपी का वोट शेयर 45% वाली कैटेगरी में है, या 40% या 30% या 20% वाली कैटेगरी में, या फिर वो राज्य जहां बीजेपी का वोट शेयर सिंगल डिजिट में है। इसमें दक्षिण के सारे राज्य शामिल हैं, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी शामिल हैं। जिन 14 राज्यों में बीजेपी पहले से 50 प्लस की कैटेगरी में है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत उन 22 राज्यों में है जहां बीजेपी वोटों के लिहाज से काफी पीछे है, और अगर मोदी ने इन लोकेशंस पर अपनी पार्टी का वोट शेयर 10-20% या 30% तक बढ़ा दिया तो 400 असंभव नहीं, बिल्कुल संभव है। विरोधी ये कहते हैं कि मोदी को 19 में सिर्फ 38% वोट मिले, 62% मोदी के खिलाफ ही थे। मगर विरोधी ये नहीं बताते कि 2019 में बीजेपी 543 में सिर्फ 436 सीटों पर लड़ी थी, यानी 107 सीट पर ना लड़ने के बावजूद मोदी ने अकेले दम पर बीजेपी को 303 सीटें दिलवा दी। अब आप खुद सोचिए कि 24 में अगर बीजेपी 543 की 543 सीटों पर लड़ेगी तो उसकी सीटें कहां कहां से बढ़ेंगी, और क्या इसकी शुरुआत दक्षिण के राज्यों से होगी? क्या दक्षिण के द्वार से 24 में होगी मोदी पर वोटों की बौछार? क्या 24 में फाइनली बीजेपी के लिए होने वाला है यह चमत्कार? क्या बीजेपी के 43 साल के इतिहास में पहली बार मोदी को 24 में दक्षिण से बंपर वोटों की दक्षिणा मिलेगी? बीजेपी कह रही है आएगा मोदी, 24 में छाएगा मोदी, तो क्या मोदी को मिल गई दक्षिण में 130 लोकसभा सीटों के द्वार खोलने की चाबी?
तो क्या सच में ऐसा हो जाएगा? क्या सच में मोदी को दक्षिण भारत से हैप्पी न्यू ईयर वाला गिफ्ट मिलेगा? अगर हाँ तो कैसे? 24 में मोदी के हैप्पी न्यू ईयर का रूट दक्षिण भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर कैसे गुजरेगा? मोदी ने साउथ इंडिया की 130 लोकसभा सीटों का पूरा हिसाब किताब कैसे लगा लिया है? 24 में 400 पार जाने के लिए मोदी दक्षिण भारत में कौन सा फॉर्मूला लागू करने वाले हैं? ये हेडलाइन बहुत गौर से पढ़िए। दक्षिण भारत की 84 से ज्यादा सीटों पर मोदी का खास फोकस है। आखिर साउथ इंडिया की ये 84 सीटें कौन सी हैं? 19 में जिस तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों में से 5 पर लड़ने वाली बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, सिर्फ 3.7% का वोट शेयर ला पाई, वहां 24 में मोदी मैजिक का ट्रिक क्या है? जिस केरल की 20 लोकसभा सीटों में बीजेपी 15 सीटों पर लड़ी, एक सीट नहीं जीत सकी, सिर्फ 13% का वोट शेयर मैनेज कर पाई, उस केरल के लिए मोदी ने कौन सा प्लान बनाया है? जिस तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में 17 पर लड़ने वाली बीजेपी सिर्फ 4 सीट जीत पाई, 19.7% का वोट शेयर ला पाई, उस तेलंगाना में बीजेपी डबल डिजिट में कैसे पहुंचेगी? जिस आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में 24 पर लड़ने वाली बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, 1% वोट हासिल कर पाई, उस आंध्र में मोदी की आंधी कैसे आएगी? पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एनडीए 2 सीटों पर लड़ी, दोनों हार गई, इन 2 सीटों के लिए मोदी ने कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई है? कर्नाटक में तो बीजेपी पिछली बार 27 सीट पर लड़ी, 25 जीत गई, 51% से ज्यादा वोट शेयर ले आई, लेकिन इस बार क्या होगा? क्योंकि वहां बीजेपी नहीं, अब कांग्रेस सरकार है। इन सारे सवालों का जवाब है मोदी का न्यू ईयर प्लान। प्रधानमंत्री उत्तर फिक्स कर चुके हैं, अब साउथ की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी कर्नाटक, तेलंगाना होते हुए तमिलनाडु तक जाएंगे, केरल को भी साधेंगे, आंध्र प्रदेश में भी झांकेंगे, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी सियासी समीकरण बिठाएंगे। अमित शाह तेलंगाना पहुंच चुके हैं, बीजेपी ने दक्षिण का अभेद किला भेदने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। दक्षिण से बीजेपी को सनातन के नाम पर भी वोट मिलेगा, हिंदू धर्म के नाम पर भी वोट मिलेगा, सनातन का विरोध करने वालों के खिलाफ भी 24 में वोट पड़ेगा। तस्वीर देख लीजिए, तेलंगाना पहुंचते ही अमित शाह का पहला स्टॉपेज भाग्य लक्ष्मी मंदिर था। इन तस्वीरों से बीजेपी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? मोदी का मैसेज ये है कि हिंदू उत्तर में भी हैं, हिंदू दक्षिण में भी हैं, राम मंदिर के सेवक, राम को पूजने वाले इधर भी हैं, उधर भी हैं। दक्षिण भारत के 42% हिंदुओं का मानना है कि एक सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। दक्षिण भारत के 68% हिंदुओं को लगता है कि उनका धर्म उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। साउथ इंडिया के हिंदुओं की ये विचारधारा मोदी और उनकी पार्टी के इस सेंटिमेंट से बिल्कुल मेल खाती है। बावजूद इसके 2019 के चुनाव में दक्षिण भारत के सिर्फ 19% वोटर्स ने मोदी की पार्टी को वोट दिया। दक्षिण भारत के 20% हिंदुओं ने तब कांग्रेस को वोट दिया था। प्रधानमंत्री को साउथ इंडिया के इस सेंटिमेंट का अंदाजा अच्छी तरह है, इसीलिए मोदी 2024 में अपने नए साल की शुरुआत दक्षिण भारत से करने वाले हैं। 2 जनवरी को मोदी का लोकेशन तमिलनाडु होगा, उसी दिन वो लक्षद्वीप में होंगे और 3 जनवरी को मोदी केरल पहुंच जाएंगे। यानी 2 दिन के टूर से मोदी इन 3 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी को पता है कि 24 में 400 प्लस का कैलकुलेशन तभी फिट बैठेगा जब उनकी पार्टी दक्षिण के राज्यों में अपना वोट शेयर
51% तक भी ले जाए और सीटों की संख्या को भी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में पहुंचाए। और ये तब संभव होगा जब बीजेपी दक्षिण की 130 में से ज्यादा लोकसभा सीटों पर लड़ने उतरे। उदाहरण के तौर पर 19 में मोदी की पार्टी तमिलनाडु में एनडीए के बैनर तले लड़ी और सिर्फ एक सीट जीत पाई, मगर इस बार तमिलनाडु में बीजेपी की एक पार्टनर AIADMK उससे अलग हो चुकी है। आंध्र जैसे राज्य में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, यानी ये बीजेपी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो साउथ की ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर इन सीटों पर जीत मिली तो खुशखबरी, अगर जमानत जब्त भी हुई फिर भी बीजेपी का वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा ही। मोदी यही स्ट्रेटेजी दक्षिण के बाकी राज्यों में भी लागू कर सकते हैं। सीट भले ही कम ज्यादा हो, मगर इतना तो तय है कि दक्षिण भारत मोदी के 51% वाले टारगेट में ऐड ही करेगा। साधारण भाषा में कहें तो मोदी नॉर्थ इंडिया से सीटें बढ़ा लेंगे और साउथ इंडिया से अपने वोट शेयर में इजाफा करेंगे। कर्नाटक में पहले ही मोदी के पास 51% वोट हैं। तेलंगाना में 2014 वाले 10% से बढ़कर 2019 में बीजेपी 19% तक पहुंच चुकी है। केरल में भी बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 10% था तो 2019 में 13% हो चुका है, यानी इन तीन राज्यों में बीजेपी को फायदा हो रहा है। मोदी की कोशिश न सिर्फ इस मोमेंटम को बरकरार रखने की होगी, बल्कि वो इन तीन राज्यों के अलावा दक्षिण के बाकी राज्यों में भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहेंगे। मोदी की पार्टी ने इसीलिए साउथ की 130 में से 84 से ज्यादा ऐसी सीटें आइडेंटिफाई की हैं, जिसे वो वीक कैटेगरी कहती है, यानी वो सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। बीजेपी साउथ की ऐसी सभी सीटों पर अपना फुटप्रिंट छोड़ना चाहती है। दक्षिण के लिए मोदी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके मुताबिक 19 के चुनाव में तेलंगाना में 4 सीट जीतने वाली बीजेपी 24 में डबल डिजिट पर काम कर रही है। आंध्र प्रदेश की 25 में से 5 सीटों पर जीत का प्लान बन चुका है। दक्षिण के द्वार में नए साल में मोदी के दौरे की खबर हो या फिर तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह और तमिलनाडु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नॉन स्टॉप विजिट हो, ये सारा घटनाक्रम एक ही ओर इंडिकेट कर रहा है कि 24 के लिए मोदी का दक्षिण वाला प्लान बहुत बड़ा है। मकसद एक है, सीटें जीते तो ठीक, अगर ना जीते तो कम से कम वोट शेयर बढ़े, 51% वाले टारगेट में इजाफा हो। लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए आज हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने जो हमारे तेलंगाना जो कार्यकर्ता है उनको जो मार्गदर्शन दिया, आने वाले चुनाव बीजेपी का जो तेलंगाना के अंदर सत्ता पाने के लिए जो चुनाव आज 10 संसद के ऊपर जीतने वाली दल अकेला भारतीय जनता पार्टी और 35% के ऊपर वोट हासिल करने के लिए आज एक रणनीति बनाया। जो चुनाव हुआ इस प्रदेश राज्य के अंदर वो पूरा सत्ता के विरोध जो लोग वोट दिया तो कांग्रेस ने फायदा उठाया, मगर असली जीत जो हासिल किया वो बीजेपी, एक विधायक से लेकर 8 विधायक और 7% वोट से लेकर 35% वोट। लोग आज मन बना ले के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज लोग देश भर में परिवारवाद राजनीति को, भ्रष्टाचार राजनीति को, तुष्टिकरण राजनीति को खत्म किया जा रहा है। जो भी 5 राज्य में चुनाव के नतीजों को हम एक बार देखेंगे तो विश्लेषण किया जाए तो सिर्फ बीजेपी सरकार अकेली बार बार आज लोग जिता रहे, क्योंकि वहां सरकार किस तरह एक पारदर्शिता से चलाए। और जो राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस जो सरकार था यही उनका परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ETM बनकर तुष्टिकरण राजनीति के, इसलिए लोगों ने सबक सिखाया।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर आने वाले दिनों में जरूर जो लोकसभा चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने का ये मौका है। और ये जो बीआरएस है डूब गई नावा है, डूबने वाली नावा कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ कमल विकास का बीजेपी होगा। यानी एक तरफ मोदी की पार्टी है जो दक्षिण भारत में न सिर्फ पैर पसारने को रेडी है बल्कि 130 लोकसभा सीटों को साधने के लिए चुनाव से महीनों पहले ही जी तोड़ में जुटी है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व साउथ में सीधे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहा है। 24 में कैसे जीतना है, क्या क्या करना है, एक एक प्लान बता रहा है। तेलंगाना में 35% वोट और 10 सीट का टास्क अमित शाह ने अभी से सौंप दिया है और यही फॉर्मूला अब बीजेपी दक्षिण के बाकी राज्यों में भी इस्तेमाल करेगी। जबकि दूसरी ओर दक्षिण में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद स्टालिन थोड़े सख्त हो गए हैं। कांग्रेस तमिलनाडु में 38 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। डीएमके इसके लिए रेडी नहीं है। केरल में लेफ्ट की सरकार कांग्रेस लेड यूडीएफ को 2019 की परफॉर्मेंस दोहराने नहीं देना चाहती। जब कांग्रेस ने यूडीएफ के साथ मिलकर 20 में से 19 सीटें जीती थी। राहुल 23 में भारत जोड़ने निकले, 3 राज्यों में वोट न जोड़ सके। 24 में राहुल न्याय यात्रा निकालेंगे मगर अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस सिर्फ खाली कुर्सी के पीछे बार कोड लगवाकर अपने खाते में नोट डलवा सकती है, वोट नहीं ला सकती। राहुल के साथी माहौल बना सकते हैं, चुनाव नहीं जिता सकते। मुझे लगता है अब इसके ऊपर जैसे बीजेपी कोई भी जो अगर कार्यक्रम करती है, जैसे राम मंदिर का है, चुनाव को देखते हुए किया है। देश की जरूरत है इस प्रकार की यात्रा निकालना। इस देश में से सत्य और न्याय पूरा तरह से खत्म हो गया है। जब राहुल जी ने पहली यात्रा निकाली थी तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ने का काम किया, लोगों के मन जोड़ने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया। अब इस देश से संविधान, न्याय, सत्य ये बचाने का काम करना है और इसीलिए वो संकल्पना लेकर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर चल रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि उनके सामने कोई चुनाव की मंजिल है या और क्या है, बस एक नेता निकला है, लोग उनके साथ चलेंगे। क्या फायदा हुआ नहीं हुआ मैं आकलन नहीं करता, लेकिन मैं तो देख रहा हूं उनकी यात्रा के बाद पूर्वांचल का चुनाव हुआ था, 2 राज्यों वहां साफ हो गए, इधर 6 राज्यों का हुआ यहां साफ हो गए। तो यात्रा से क्या होने वाला, कोई यात्रा कर ले। अभी तो न्याय यात्रा लोग कह रहा था, किसका न्याय करेंगे? क्या राम मंदिर बन रहा है ये इनके नजर में खटक रहा है, इसकी न्याय करवाएंगे लोगों से कह के कि मथुरा में न्याय दिलवाएंगे? कहाँ न्याय दिलवाएंगे, कौन सा न्याय? अब ये ज्ञान यात्रा निकाले, इनके पास देश की जनता क्यों इनको नेता माने? जो व्यक्ति घर में गाली दे, घर में बात करे, जो बाहर में जाकर के देश को अपमानित करे, उसको देश की जनता क्यों चुनेगी? इस बीच एक और मजेदार चीज देखने को मिली है। इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ठाकरे गुट और पवार गुट एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे हैं। कांग्रेस इंडी अलायंस के साथ मोदी को हराने के लिए एकजुट तो हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आपस में ही झगड़ भी सकती है। यकीन नहीं होता तो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम को सुनिए। ऐसा है, पिछले दिनों भले ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन सच है कि कांग्रेस और ये शिवसेना बिखर गई। शिवसेना से कई बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता छोड़ करके चले गए। बिल्कुल उसी तरीके से एनसीपी भी बिखर गई, उसके भी कई बड़े नेता कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। तो सचमुच आज इस समय शिवसेना का वोट कितना है और एनसीपी का वोट कितना, या पवार साहब के पास कितने एनसीपी के वोट बचे हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी कोई छोड़कर नहीं गया है,
कांग्रेस पार्टी एक मजबूती से अपनी जगह पे खड़ी है, तो ऐसे में कांग्रेस को कम आंकने या अंडर एस्टिमेट करना मुझे लगता है गलत होगा। मैंने भी देखा कि शिवसेना के साथी ने 23 सीटें मांग ली है, तो मुझे तो लगता है पूरे के पूरे 48 सीटें मांग ले वो। क्या होता है जब चुनाव लड़ना है, साथ में लड़ना है, तो एक ध्येय होता है। वो ध्येय क्या है? बीजेपी को हराना है। और जब बीजेपी को हराना है तो एक दूसरे को डराने की धमकी नहीं देनी चाहिए। एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठिए, चर्चा करिए, और उसके बाद जिसकी जो क्षमता है, जिसके जो उम्मीदवार जीतने के लायक हैं, जिसकी जो सीटें अच्छी हैं, उस हिसाब से एक फैसला करके एक ऐसा सिचुएशन बनाइए कि सब लोग खुश हों। इसमें सामना में लिख लिख करके शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता बर्बाद कर दिया गया। अब कांग्रेस के साथ भी अगर रिश्ता बर्बाद करना है तो रोज सामना में हमको गाली देते रहिए, हमको कभी अहंकारी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, सब मत बोलिए। शिवसेना को इंडिया ब्लॉक की मीटिंगों में बुलाया जाता है, उनके नेताओं से पूछा जाता है, उनकी राय मांगी जाती है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन नेताओं के पास शिवसेना के नेताओं का अच्छा खासा एक्सेस है, यानी बहुत सारी बातें हैं जो भी आपके मन में है वो आप बंद कमरे में या मीटिंगों में कर सकते हैं, और जब कर सकते हैं तो सामना में लिखने की क्या जरूरत है? चुनाव तो महाराष्ट्र में होगा ना, सीटें तो महाराष्ट्र की बटेंगी, दिल्ली की तो नहीं बटेंगी। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में भी बात करिए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से भी राय विचार करके आगे बढ़िए। राहुल खुद को 24 का चेहरा समझते हैं, ममता खरगे का नाम आगे करती हैं, मगर खुद को लीडर मान बैठी हैं, और इंडिया अलायंस में जारी इस भारी कंफ्यूजन के बीच राहुल अभी भी मोदी वाला टेप सुनाने में ही बिजी हैं, मनोहर कहानियां ही सुनाए जा रहे हैं। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है, और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला, बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था, छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो, और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी, तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या? कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है, हमारी कोई सुनता नहीं है,
ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। मगर ऐसा करते वक्त राहुल ये भूल जाते हैं कि कहानियां सुनाने से 24 में वोट नहीं मिलेंगे, मोदी को अनाप शनाप बोलने से नॉर्थ तो क्या साउथ में भी कांग्रेस का ग्राफ नहीं बढ़ेगा, उल्टे राहुल खुद अपना ही नुकसान कर लेंगे। पहले तो उन्होंने इसको महारैली कहा था, लेकिन ये सूक्ष्म रैली हो गई, क्योंकि छोटे ग्राउंड में रैली लेने के बावजूद भी आधा मैदान खाली रहा, कुर्सियां खाली रही और राहुल गांधी इनका भाषण सुनने के लिए लोग रुके नहीं, उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है। और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। वैसे इंडी अलायंस में भीतर ही भीतर उठापटक सिर्फ एक लोकेशन पर नहीं, अलग अलग लोकेशन पर हो रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ठाकरे गुट और पवार गुट में तू तू मैं शुरू है, तो बिहार में नीतीश की पार्टी टूटने के कगार पर खड़ी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफा तो आज नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उससे यही लगता है कि शुक्रवार को आपसी वॉर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा और बिहार में नीतीश की गाड़ी चुनाव में जाने से पहले ही पलट जाएगी। कल 11:30 बजे होगी बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और 3 बजे होगी राष्ट्रीय परिषद की और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी। और जो अफवाहें चर्चाएं थी माइक वो सब सिरे से खारिज। ललन सिंह जी ने पार्टी की कोई चर्चा नहीं है, आपके यहाँ चर्चा है या बीजेपी में चर्चा है, हमारे यहाँ कोई चर्चा। विरोधियों की आपसी उठापटक के बीच मोदी की पार्टी चुपचाप अपने वोटर्स के पास पहुंचने लगी है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक 543 सीटों का समीकरण बिठाने में लगी है। बीजेपी के टॉप लीडर्स अभी से राउंड पर निकल चुके हैं और ये आइडिया किसी और का नहीं, मोदी का ही है।